राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। आज इस श्रृंखला में प्रस्तुत है संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के जीवन पर आधारित कार्यक्रम न्यूटन की कहानी। बहुत पुरानी बात है, इंग्लैंड के एक शहर में एक बालक रहता था। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा, भैया हाँ, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। वो मैं खाना देकर जाती हूँ तो वो भी बड़े बड़े ठंडा हो जाता है। आखिर बात क्या है भैया? कैथरीन, एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था, तभी एक सेब नीचे आ गिरा। मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूँ। वाह भैया, ये भी भला कोई सोचने की बात है। सेब के बाग में सेब तो अक्सर ही नीचे गिरते रहते हैं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि तुम खाना खाना भी भूल जाते हो? कैथरीन, मेरी प्यारी बहना, क्या तुमने कभी सोचा है कि सेब या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है? ये तो हमेशा से ही होता आया है, भला इसमें नया क्या है? सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है, मगर प्रश्न तो नया है ना? हाँ? मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा? अरे अरे, अब क्या सोचने लगे भैया, पहले खाना खा लो। कैथरीन, खाना रख दो, मैं खा लूंगा। ये तो तुम रोज ही कहते हो, आज मैं यहीं सामने बैठकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तभी जाऊंगी। अच्छा बाबा, लाओ खा लेता हूँ। ये हुई ना बात। ये बालक कोई और नहीं बल्कि महान ब्रिटिश भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ आइजैक न्यूटन था। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को इंग्लैंड के लंकाशायर में वुल्सथोर्प नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली स्थानीय पाठशाला में हुई। 12 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रंथम में ग्रामर स्कूल में विधिवत शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। कुछ वर्ष बाद एक दिन न्यूटन की मां हन्ना उनके स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गईं। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए मिसेस हन्ना, आइए बैठिए। जी हाँ मिसेस हन्ना, कहिए। सर, मेरा बेटा न्यूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है? देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन एक बहुत ही शांत, सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है। हाँ सर, वो तो वो शुरू से ही है, किंतु वो कुछ पढ़ता लिखता भी है कि नहीं? देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन को नई नई खोजें करने तथा मैकेनिकल काम करने में गजब की महारत हासिल है। एक बार उसने एक पवन चक्की बनाई। क्या आप जानती हैं मिसेस हन्ना कि वो कैसे चलती थी? नहीं, आप बताइए। न्यूटन ने चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया और धागे का दूसरा सिरा पवन चक्की से बांध दिया। अच्छा। अब जब चूहा उछल कूद करता या दौड़ता तो पवन चक्की चलती। और इसी तरह मिसेस हन्ना, एक बार उसने अपने लिए 4 पहियों वाली एक गाड़ी बनाई जो डगमगाते हुए चलती थी। उसे वो अंदर बैठे बैठे ही मोड़ भी सकता था। अच्छा सर, घर में भी वो अपनी चचेरी बहन और अन्य लड़कियों की गुड़ियों के लिए
मेज कुर्सी बनाया करता था। लेकिन सर अब वो 17 साल का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ काम करे ताकि घर का खर्च चल सके सर। और मैं उसे खेत के काम में या फिर भेड़ पालने के काम में लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो न जाने क्या क्या अजीबोगरीब खिलौने बनाता रहता है या फिर उपकरण बनाता रहता है। मैं तो उससे तंग आ गई हूँ। देखिए मिसेस हन्ना, जहां तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए। सर लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती। इसकी चिंता आप ना करें, वो एक होनहार विद्यार्थी है जी। उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूँ। शुक्रिया सर, फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी। जरूर भेजिएगा मिसेस हन्ना जी। इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूझते न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सन 1661 में वो ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुआ। वहां वो अपना खर्च बाकी अमीर बच्चों के व्यक्तिगत कार्य करके निकालता था। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रेने डिस्कार्टे की पुस्तकों को पढ़ा और तभी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण, पदार्थों की प्रकृति, प्रकाश, रंग, ब्रह्मांड के नियम आदि पर प्रश्न करने शुरू कर दिए। एक दिन न्यूटन सूर्य की ओर एक टक देख रहा था, तभी उसका मित्र विलियम वहां आया। न्यूटन? अरे न्यूटन, तुम एक आंख बंद करके सूर्य की ओर यूं टकटकी लगाए कब से देख रहे हो और क्यों देख रहे हो? विलियम, मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न की जांच कर रहा हूं, इसीलिए सूर्य की ओर एक टक देख रहा हूं। लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? जब तक सभी रंग बदल नहीं जाते। मगर इससे तो तुम्हारी आंख खराब हो सकती है। हाँ वो तो है, किंतु मेरे पास इस प्रश्न की जांच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। मुझे देखने दो। क्या हुआ? क्या हुआ न्यूटन? मुझे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंख के आगे तारे झिलमिला रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। चलो मैं तुम्हें सहारा देकर अंदर ले चलता हूँ। लेकिन मेरे चलो मेरे साथ तुम। अब तुम्हें कई दिन तक अंधेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा, जब तक कि तुम्हारी आंख पूरी तरह ठीक ना हो जाए। लेकिन विलियम, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज कर ही रहूंगा। खोज लेना उत्तर, लेकिन फिलहाल हाँ। तो आराम करो। सन 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली। और 10 अक्टूबर सन 1665 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया गया। न्यूटन को अपने घर लौटना पड़ा। परंतु विश्वविद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वरदान साबित हुआ। अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर
पूरा समय अपने शोध कार्य पर लगा सकता था। सन 1666 न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इसी साल न्यूटन ने आधुनिक कैलकुलस पर 3 शोध पत्र प्रस्तुत किए। न्यूटन, अरे विलियम, अरे न्यूटन न्यूटन न्यूटन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इन शोध पत्रों की पूरे यूरोप में धूम मची हुई है और 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही तुम यूरोप के प्रमुख गणितज्ञ बन गए हो। अच्छा न्यूटन, क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन केपलर की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं? हाँ विलियम, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस धरती पर गिरने की बात कही है और जॉन केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या तुम जानते हो मित्र, एक बार बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था? भला मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। अच्छा बताओ क्या हुआ था। मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा। फिर मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि ये सेब पेड़ से सीधा धरती की ओर ही क्यों गिरा, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया। तब से ये प्रश्न मुझे लगातार परेशान करता रहा। लेकिन विलियम, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यही कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है वो ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है। और उसे हवा में इधर उधर या ऊपर नहीं जाने देता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यही है इस प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार चिंतन मनन अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रयोग करते करते न्यूटन ने गति के 3 नियम और उन पर आधारित गुरुत्वाकर्षण का नियम बना लिया। न्यूटन द्वारा बताए गए गति के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। दूसरा नियम है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन उस बल की मात्रा के अनुरूप होता है। और तीसरा नियम है, कोई भी वस्तु अपने पर होने वाली क्रिया के विरुद्ध उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। गुरुत्वाकर्षण है क्या? गुरुत्वाकर्षण के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रेविटेशन, जो प्राचीन लैटिन शब्द ग्रेविटास से बना है। ग्रेविटास का अर्थ है भारीपन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है और जिस बल से खींचता है वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है। न्यूटन ने सन 1668 में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई। इस दूरबीन की प्रसिद्धि तथा उपयोगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया।
इस खोज के बाद दूरबीन का आकार घटकर केवल 6 इंच लंबा तथा 1 इंच व्यास का रह गया। इतना ही नहीं, ये छोटी दूरबीन पिछली दूरबीन की तुलना में 30 गुना बेहतर थी। बृहस्पति, शनि आदि दूर स्थित ग्रहों को देखने में ये दूरबीन विशेष रूप से सहायक थी। अक्टूबर सन 1669 में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। सन 1696 में वे लंदन मिंट के वार्डन तथा सन 1699 में वहां के मास्टर बन गए। सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, जिस पर वे मृत्यु पर्यंत रहे। सन 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि से सम्मानित होने वाले न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे। March 31, 1727 को ये महान वैज्ञानिक इस संसार से विदा हो गया। न्यूटन ने कई पुस्तकें लिखी। अपनी पहली पुस्तक कुछ दार्शनिक प्रश्न के आरंभ में वे कहते हैं, प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे प्यारा मित्र है सत्य। न्यूटन की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है सन 1687 में प्रकाशित उनकी अद्भुत पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसे संक्षेप में प्रिंसिपिया भी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के इतिहास में यह पुस्तक मील का पत्थर मानी जाती है। सन 1704 में न्यूटन की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ऑप्टिक्स प्रकाशित हुई। ऑप्टिक्स में न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन के समय तक रंगों के बारे में अजीबोगरीब तथा अलग अलग धारणाएं थीं, जैसे कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है, परंतु न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफेद रोशनी अलग अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल छितरा भर देता है, यानी अलग अलग रंगों को दिखा देता है। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता। उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। न्यूटन की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर रवि शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, नीतू झांझी, अशोक शर्मा, आकाश और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।